वृंदावन के राधा निवास क्षेत्र में आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। 11,000 हाई वोल्टेज तार टूटने से 3 दुकानों में आग लग गई। तो 11,000 की लाइन जो टूटी हुई थी, जो अभी जुड़ के गई है, अभी 10 मिनट पहले जुड़ी हुई है, तो 11,000 की लाइन जो गिरी थी दुकान के आगे शटर पर, तो शटर ने एकदम चिंगारी पकड़ी है। तो उसमें सारा कैस्ट्रोल का ऑयल वगैरह सब भरा पड़ा था, क्योंकि पार्ट्स की दुकान है बाइक की, तो उसने सारा आग पकड़ लिया। आग लगने के कारण दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया। इस अग्निकांड से दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। 3 दुकान में आग लगी है, इसमें 4 आदमी मौजूदगी में है जिनका सामान जल चुका है इसमें। यानी कि मैं आपकी भी दुकान है, आपका हाँ, कितना नुकसान है? मेरा लगभग करीब इसमें कम से कम ज़्यादा नहीं, गाड़ी का सामान लगा के करेंगे तो 1.25 लाख रुपये में नुकसान हो गया। लगभग सारा पार्ट जल चुका है गाड़ियों का, जो गाड़ियों के सामान रखे थे वो मेरा खुद का मेन गया है। ये हादसा मंगलवार सुबह उस वक्त हुआ जब हाई वोल्टेज विद्युत लाइन का तार अचानक टूटकर ऑटोमोबाइल की दुकान पर गिर गया। तार टूटने के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ जिससे आग लग गई। बिजली विभाग की भी लापरवाही रही है पूरी, 11,000 की लाइन है उसमें कुछ भी लगा हुई नहीं है। फायर ब्रिगेड को भी फोन कर दिया, घंटे में भी नहीं आ रही है। 100 नंबर पर 4 बार फोन लगाया सब आदमी ने, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है कोई भी। जब सबका काम खत्म होगा तब 100 नंबर वाले आ रहे हैं। आग इतनी भीषण थी कि इसने पास की 2 दुकानों को भी अपने कब्जे में ले लिया। आगे की दुकान है वो हम ऑयल भरा वही में लगी आग, बिजली को तार टूटते और बाकी बात दूसरे गोदाम में फिर तीसरे में। आग लगने की सूचना मिलते ही दुकानों के मालिक अपनी अपनी दुकानों पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास करते हुए दमकल को सूचना दी। सूचना मिलने के करीब 1 घंटे बाद पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकानों में रखा सामान सारा जलकर खाक हो गया था। मथुरा से गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ टाइम्स इंडिया।